सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर सियासत अब गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के लोग लगातार सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से अनुचित टिप्पणी की जाती है उसे लेकर सरकार ने बेहद सही फैसला उठाया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे फैसले का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था और अब सरकार ने सकारात्मक दिशा में कदम उठाया है। जबकि विपक्ष में बैठे लोगों ने सरकार के इस फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भले ही इसे सही फैसला बताएं, लेकिन हकीकत यही है कि सरकार घबरा गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर सही टिप्पणी की जा रही है या गलत, इसे कौन तय करेगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार बिहार की जमीन पर तालिबान का सृजन करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह फैसला बता रहा है कि वह कितनी घबराई हुई है। सरकार के फैसले के खिलाफ उठने वाले सवालों को दबाने के लिए सरकार ने इस तुगलकी फरमान को निकाला है। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना है कि दंगाई विचारधारा वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।